हाय गाइस, राधे राधे, गुड इवनिंग। और आप लोग कैसे हैं? राधा रानी की कृपा से आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और न्यू ब्लॉग में बंदना की उनके न्यू ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। बने रहिएगा आप लोग मेरे ब्लॉग में अंत तक। और गाइस, आज मैं बनाऊंगी केले की सब्जी, तो आप लोग देखिएगा। जैसे कि गाइस मैं बताई थी कि मैं आज बनाऊंगी केले की सब्जी, तो मैं केला अपना ले ली हूँ, आप लोग देख सकते हैं। ये मेरे खेत का, मतलब खेत से आया था, तो इसी में चल रही हूँ। पहले इसका बारीकी काट के निकाल दूंगी और अच्छे से छील लूंगी। तब तक के लिए बने रहिएगा आप लोग मेरे ब्लॉग में। गाइस, मैं जैसे कि आप लोग को बताई थी कि मैं केला की सब्ज़ी बनाऊंगी, तो केला की सब्ज़ी के लिए उसमें चाहिए मतलब मसाला भरपूर, तभी अच्छा लगेगा केला का सब्ज़ी। तो उसके लिए मैं, देखिए, मैं पूरे मसाला ले ली हूँ, अदरक, तो गाइस मैं सब कुछ ले ली हूँ, देख सकते हैं आप लोग। धनिया है, अदरक है, लहसुन है, और ये तेज़पत्ता गर्म मसाला है, और ये प्याज है। इसको मैं चल रही हूँ दुरदुरा कर लूँगी, पेस्ट बना लूँगी इसका। तो गाइस, जैसे कि मैं बताई थी कि केले की सब्जी बनाऊंगी, तो मैं केला को इसका बारी मैं निकाल रही हूँ, काट रही हूँ। और गाइस, एक बात और आप लोग को ध्यान देना है कि ये केला का दूध जो होता है बहुत, मतलब ख़राब होता है, क्योंकि लग जाएगा हाथ में, कपड़े में, तो ब्लैक हो जाता है। तो आप लोग इससे मतलब ध्यान दे के तब ही काटिएगा। तब तक के लिए आप लोग बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। देख सकते हैं आप लोग मैं कितने 5-7 ठो केला ली हूँ, और इसको मैं बारीकी निकाल रही हूँ। और ये चाकू वाकू से तो अच्छे से नहीं कट पाता, इसकी वजह से मैं ये ली हूँ पहचुर। तो आप लोग के यहाँ इसे क्या बोलते हैं, आप लोग प्लीज़ बताइएगा। और ये जो छिलनी होती है, छिलनी से नहीं मतलब छीलेंगे इसे, क्योंकि छिलनी से छीलेंगे तो अच्छे से नहीं छिला जाएगा। इसकी वजह से मैं पहसुल से ही छील रही हूँ। देख सकते हैं, जब इसमें का पूरा ब्लैक वाला निकल जाएगा हिस्सा, तब जो वाइट वाला होता है वो आ जाएगा, तभी इसकी सब्जी अच्छा रहता है। नहीं तो वो जो ब्लैक रहता है तो उसमें पूरा रसा रसा आ जाता है, तो अच्छा नहीं लगता है। तो आप लोग ऐसे ही करिए। तो मेरे ब्लॉग लास्ट तक बने रहिएगा। और देख सकते हैं ये केला मेरा मतलब छिला गया है, तो इसे मैं काट लेती हूँ। देखिए, ये काटते ही तुरंत ब्लैक हो जाता है। थोड़ा मैं मोटा ही काटूंगी ताकि फ्राई करने में अच्छा रहे। आप लोग चाहें तो एक पतला ही काट सकते हैं, बट मैं मोटा ही काटूंगी। तो देखिए गाइस, आप तो गाइस देखिए, मेरा केला काट करके मैं रेडी कर ली हूँ। और इधर देख सकते हैं आप लोग, मेरा मसाला भी रेडी हो गया है, टमाटर भी ले ली हूँ, सब कुछ मेरा रेडी हो गया है। चल रही हूँ अब सब्जी बनाने के लिए, तो आप लोग बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। तो गाइस, मैं अपने हिसाब से तेल ले रही हूँ सरसों का, ताकि फ्राई करने में सही रहे। तो गाइस, मैं अपने हिसाब से तेल ले ली हूँ, और मेरा तेल हो गया है रेडी। तो मैं इसी तेल में मैं केले को अपने फ्राई करूँगी। तो देख सकते हैं, मैं इसमें केला गाइस दो बार में फ्राई करूंगी, ताकि अच्छे से फ्राई हो जाए। जब अच्छे से फ्राई हो जाएगा तभी सब्जी का टेस्ट आएगा, केले की सब्जी का। तो गाइस, मैं इतना दो बार में फ्राई करूंगी ताकि अच्छे से फ्राई हो जाए। तो गाइस, इसको मैं 5 मिनट के लिए ढक देती हूँ, ताकि अच्छे से मेरा केला फ्राई हो जाए। तो गाइस, जैसे कि मैं आप लोग को बताई थी कि मैं केले को सब्जी बनाने के लिए केला फ्राई कर रही हूँ, तो देख सकते हैं आप लोग, मेरा केला हो गया है फ्राई। तो इसे मैं निकाल लेती हूँ। अब आप लोग केले की सब्जी तो बहुत खाए होंगे, बट कुछ अलग तरीके से बना करके टेस्ट करिए आप लोग।
गैस मेरा तेल इसमें बचा हुआ था तो मैं इसमें डाल दी हूँ पंचफोरन, और थोड़ी सी मैं ले लेती हूँ मिर्ची पाउडर और थोड़ी सी हींग भी। तो गैस मेरा मसाला भी हो गया है, तो गैस मेरा मसाला भी हमने भून लिया है, आप लोग देख सकते हैं। तो इसी मसाले में मैं लूँगी बस 2 से 3 टमाटर भी, इसी मसाले में मैं गैस भून लेती हूँ। क्योंकि गैस अगर इसमें केले की सब्ज़ी में थोड़ा खट्टापन नहीं रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, इसकी वजह से मैं 2 से 3 टमाटर भी ले ली हूँ। तो गैस देख सकते हैं आप लोग मेरी सब्ज़ी हो गई है रेडी, और आप लोग भी मेरे तरीके से ही बनाइए बहुत ही कम समय में। तो प्लीज़ गैस आप लोग मेरे तरीके से बनाइए और टेस्ट करिए, और बना करके टेस्ट करके बताइएगा गाइस। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आप मेरा बनाया हुआ टेस्ट करिए, क्योंकि आप लोग टेस्ट नहीं कर पाएंगे, बस देख पाएंगे, ठीक है। तो प्लीज़ गाइस आप लोग मेरा वीडियो पूरा अंत तक देखा करिए। तो गाइस देखिए मेरे मेरा केले की सब्ज़ी हो गई है रेडी, और आज की रेसिपी कैसी लगी आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा प्लीज़, और जो मेरे चैनल पे नए लोग होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ओके, मैं वीडियो को एंड करती हूँ। ओके, बाय बाय, राधे राधे आप सभी को, वंदना की उनकी तरफ से।